हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गाइस आप लोग 2024 के अंदर अपना पेटीएम का न्यू अकाउंट कैसे बना सकते हैं। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, पेटीएम के अंदर बहुत सारे अपडेट भी आ गए हैं। इन अपडेट को देखने के बाद आप लोग पक्का हैरान रह जाओगे। और मैं आप लोगों को एक चीज और भी बता दूं गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि गाइस आप लोग पेटीएम का यूज करके कैसे घर बैठे पैसे भी कमा सकते हैं। सो अगर आप लोग भी अपना पेटीएम का न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं, कैसे गाइस आप लोग इसको यूज करेंगे, सारा प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, कैसे कैसे क्या हम लोगों को करना है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों आप लोग देखते हो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूं। गाइस आप लोगों को सबसे पहले यहां पर क्या करना है, गाइस अगर आप लोगों ने अपने Paytm एप्लीकेशन को पहले से डाउनलोड करा है या गाइस आप लोग अपने Paytm अकाउंट को क्रिएट करने के लिए सोच रहे थे, तो गाइस आप लोगों ने अपने Paytm अकाउंट को यहां पर अगर डाउनलोड कर लिया है ना, तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को इस टैब से उस पर क्लिक करने के बाद यहां पर इस टैब से अनइंस्टॉल पर टैप करना होगा। तो जैसे दोस्तों आप लोग इसको अनइंस्टॉल करेंगे, डिलीट आप लोग करेंगे, तो गाइस आप लोगों को अब कहां से इसको डाउनलोड करना है और कैसे कैसे गाइस आप लोगों को उसको डाउनलोड करना है, मैं आप लोगों को सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और कैसे गाइस आप लोगों को मैं पेटीएम का न्यू वर्जन आपको देने वाला हूं, उसमें सारे फ्यूचर आप लोगों को बिल्कुल लेटेस्ट वाले आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे गाइस आप लोग अपने पेटीएम अकाउंट को डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले गाइस आप लोग जैसे ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों के सामने इस टाइप का इंटरफेस यहां पर निकल के आ रहा होगा। तो यहां पर आप लोगों को एक बटन दिख जाएगा सब्सक्राइब का, तो इस टाइप से चैनल को सब्सक्राइब करना है और साइड में एक घंटी आ रही है, इसको भी इस टाइप से ऑल पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहां पर वीडियो लाइक का बटन दिख रहा है, आप लोगों को इस टाइप से वीडियो को लाइक भी आप लोगों को कर देना है। उसके बाद में गाइस अगर आप लोग एक अच्छा सा कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर देना, और मेरे को ये जरूर से बता देना कि गाइस आप लोग ये वीडियो कहां-कहां से आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मैं सभी के कमेंट यहां पे रिप्लाई भी करता हूं। अब मैं आपको बता दूं कि गाइस आप लोग कैसे Paytm एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप लोगों को इस टाइप से क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे तो अभी के टाइम पे यहां पर फोन पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे गाइस आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहां पे लिंक मिलेगा Paytm का, बस आप लोगों को इस टाइप से यहां पर क्लिक करना है। और जैसे गाइस आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो गाइस आपके सामने इस टाइप का Paytm का लेटेस्ट वर्जन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंस्टॉल का, तो इस टाइप से गाइस आप लोगों को यहां पे इंस्टॉल पे टैप करना होगा। और जैसे दोस्तों आप लोग इंस्टॉल पे टैप करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन है Paytm एप्लीकेशन है वो यहां से डाउनलोड होने लग रहा है। आप लोग भी अपनी स्क्रीन पर बिल्कुल लाइव प्रूफ देख सकते हैं। तो गाइस यहां पर हमारा Paytm एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, बस आप लोगों को इजीली यहां पर ओपन पे टैप करना होगा। और जैसे गाइस आप लोग यहां पर ओपन पे टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहां पे निकल के आ जाएगा। गाइस आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखते हो ये कुछ इस टाइप से लोडिंग होने लगेगा, और जैसे गाइस आप लोग यहां पे इस टाइप से ये लोडिंग होने लगेगा तो आप लोगों के सामने इस टाइप का इंटरफेस यहां पे आ जाएगा। और गाइस आप लोगों को बोलेगा कि गाइस आप लोग अपना कौन सा मोबाइल यहां पर डालना चाहते हैं, लेकिन गाइस आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, आप लोगों को यहां पर उस मोबाइल नंबर को डालना है जो मोबाइल नंबर आप लोगों के बैंक अकाउंट में यहां पर लगा हुआ है। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देखते हो मैं इस वाले नंबर को यहां पर डाल देता हूं, और इस वाले मोबाइल नंबर को डालने के बाद यहां पर गाइस आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा, और यहां पर आप लोगों को बोलेगा इस टाइप से आप लोगों को इस टाइप से ये होने लगेगा लोडिंग। उसके बाद में गाइस आप लोगों के सामने इस टाइप का इंटरफेस यहां पर आ जाएगा, तो इस टाइप से आप लोगों को यहां पर अलाउ कर देना होगा। उसके बाद में गाइस आप लोगों के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आपको सेंड कर दिया जाएगा, उस ओटीपी को यहां पर इस टाइप से आपको डालना होगा। जैसे दोस्तों आप लोग इस टाइप से ओटीपी को डालेंगे गाइस ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, बाय चांस अगर नहीं होता है तो आप लोगों को अपने हिसाब से भी इसको यहां पर डाल देना होगा। जैसे गाइस आप लोग यहां पर डालेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस यहां पर आ जाएगा। यहां पर गाइस सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहां पर गाइस आप लोगों को देखने को मिलेगा अपनी प्रोफाइल पर टैप करना होगा, और जैसे गाइस आप लोग अपनी प्रोफाइल पे यहां पे टैप करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस यहां पे आ जाएगा। यहां पर गाइस आप लोगों को देखने को मिलेगा लिंक बैंक अकाउंट, तो यहां पर गाइस आप लोगों को इस टाइप से टैप करना होगा। और जैसे गाइस आप लोग यहां पर इस टाइप से टैप करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस यहां पर आ जाएगा, और आपको बोलेगा यहां पर ऐड अ बैंक अकाउंट। तो यहां पर गाइस जो भी आप लोगों के पास बैंक अकाउंट होगा तो आप लोगों को यहां पर अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे दोस्तों आप लोग देखते हो आपको देखने को मिलेगा ऐड अ बैंक अकाउंट, तो इजीली आप लोगों को यहां पर टैप करना होगा। और जैसे गाइस आप लोग यहां पर टैप करेंगे तो अब आपके सामने यहां पर जो टॉप लिस्ट के यहां पर बैंक है वो आपके सामने इस टाइप से आ जाएंगे। अगर इनमें से आपका कोई भी बैंक है तो बस आप लोगों को यहां पर क्लिक करना है। बाय चांस गाइस अगर आप लोगों का इनमें से कोई भी बैंक आपका नहीं है तो गाइस आप लोगों को बस इजीली यहां पे सर्च करना है। बाय चांस यहां पर अगर आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है तो इस टाइप से आप लोग सर्च कर सकते हैं, और सर्च करने के बाद आप लोगों को अपने बैंक को ऐड करना है। लेकिन जो मेरा बैंक अकाउंट है वो यूनियन बैंक में है, तो मैं यहां पर इजीली सर्च कर लेता हूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो जैसे दोस्तों आप लोग यहां पे देखते हो मैं जैसे ही यहां पे सर्च करूंगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो हमें यहां पर हमारा बैंक देखने को इजिली मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इस टाइप से क्लिक करता हूँ, और जैसे गाइज मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो फाइनली आप देखते हो मैंने अपना ऑलरेडी यहाँ पर बैंक को लिंक कर रखा है। लेकिन गाइज मैं आप लोगों को एक बार सिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा था, आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि इस टाइप से आप लोग अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर इस टाइप से ऐड
कर सकते हैं। उसके बाद में गाइज आप लोगों को क्या करना है, गाइज आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को फिर से दोबारा इस टाइप से क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूपीआई पेमेंट सेटिंग का, तो इजीली आप लोगों को यहाँ पे टैप करना होगा। और गाइज जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे निकल के आ जाएगा। गाइज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आप लोगों की UPI ID, यानी कि गाइज अगर आप लोग इस UPI ID पर अपने पैसे को मंगवाना चाहते हैं तो आप लोगों को इस UPI ID को अपनी यहाँ पर भेज देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा UPI नंबर, यानी कि जो आप लोगों का मोबाइल नंबर होगा। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर QR कोड भी देखने को मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को एक चीज और भी यहाँ पर बताना चाहूंगा, जैसे ही आप लोग अपने बैंक को ऐड करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बस आप लोगों को यहाँ पे इस टाइप से टैप करना होगा, और टैप जैसे ही करेंगे तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने इस टाइप से यहाँ पर निकल के आ जाएगी। और मैं गाइज आप लोगों को एक चीज और बता दूं, गाइज अगर आप लोगों ने अपने बैंक अकाउंट को तो ऐड कर लिया है, लेकिन गाइज आप लोग अपने बैंक अकाउंट का कैसे UPI पिन आप लोगों को बनाना है, कैसे आप लोग इजीली यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि गाइज अगर आप लोग किसी को पैसे सेंड करोगे या किसी से पैसे यहाँ पर रिसीव करोगे तो तब गाइज आप लोग अपने बैंक का बैलेंस जो चेक करोगे तो तब आप लोगों से आपका यहाँ पर UPI पिन पूछा जाएगा, आप लोगों से मांगा जाएगा। लेकिन कैसे गाइज आप लोगों को उसको क्रिएट करना है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा UPI पिन का। मैंने यहाँ पर गाइज आप लोगों को मैं बता दूं, अगर फर्स्ट टाइम आप लोग अपने पेटीएम के अंदर अपना जो है अकाउंट पहली बार क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सेट अप का, लेकिन मेरे को यहाँ पर अभी देखने को मिला है चेंज का, क्योंकि मैंने अपने पिन को पहले से यहाँ पर बना रखा है। लेकिन गाइज अगर आप लोग यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू बनाना चाहते हैं, तो बस आप लोगों को यहाँ पे चेंज पे टैप करना होगा। और जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे चेंज पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगी। फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा यूज डेबिट कार्ड। गाइज अगर आप लोग अपने डेबिट कार्ड से अपने पेटीएम अकाउंट का जो UPI पिन आप लोग उसको बनाना चाहते हो, गाइज आप लोग अपने पेटीएम को चालू करना चाहते हैं, तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। बस आप लोगों को यूज डेबिट कार्ड पे टिप क्लिक करना होगा, उसके बाद इजीली आप लोगों को यहाँ पे प्रोसीजर पे टैप कर लेना होगा। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे प्रोसीजर पे टैप करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट में डालना होगा अपनी डेबिट कार्ड की डिजिट की लास्ट के 6 डिजिट को आपको डालना होगा। उसके में गाइज आप लोगों के ATM कार्ड पे, डेबिट कार्ड पे आप लोगों की एक्सपायरी डेट होता है, एक होता है वैलिडिटी डेट, ठीक है, तो आप लोगों को उन दोनों डेट को यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद में आपको क्लिक करना है यहाँ पर प्रोसीजर का, तो आपका यहाँ पर UPI पिन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन गाइज अगर आपके पास यहाँ पे डेबिट कार्ड नहीं है, यानी कि गाइज आप लोगों के पास ATM कार्ड नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूज आधार कार्ड का। बस आप लोगों को यहाँ पर यूज आधार कार्ड पे टैप करना होगा, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रोसीजर का, तो आप लोगों को इजीली यहाँ पर प्रोसीजर पे टैप कर लेना होगा। और जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे प्रोसीजर पे टैप करेंगे तो अब आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा, और आप लोगों से पूछेगा एंटर योवर 6 डिजिट ऑफ योवर आधार कार्ड, यानी कि लास्ट के आप लोगों को 6 डिजिट को अपनी आधार कार्ड की जो लास्ट के 6 डिजिट है ना, आप लोगों को वो यहाँ पर डालना होगा। लेकिन उसमें गाइज आप लोगों का एक कंडीशन होना चाहिए, गाइज आपका जो आधार कार्ड है ना, जो इसमें आप लोगों का मोबाइल नंबर लगा हुआ है, उसमें भी आपके आधार कार्ड में वो लिंक होना चाहिए, तभी गाइज आप लोग अपने आधार कार्ड से अपना पेटीएम का अकाउंट बना सकते हैं। इस टाइप से गाइज आप लोग अपना UPI पिन क्रिएट कर सकते हैं। अब डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर बैक आ जाते हैं, और बैक आने के बाद मैं गाइज आप लोगों को और भी काफी फ्यूचर्स के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। तो जैसे गाइज आप लोग यहाँ पर बैक आएंगे तो फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा आपका स्कैन पे। गाइज अगर आप लोगों ने अपने अकाउंट को भी बना लिया और आप लोगों ने अपने पेटीएम का UPI पिन को भी क्रिएट करना है, लेकिन गाइज आप लोगों को अगर किसी को पैसे भेजने हैं ना, तो फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा स्कैन पे का। बस आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे दोस्तों आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस QR कोड से किसी को पैसे भेज सकते हैं, फर्स्ट में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर आप लोग किसी को आपको किसी के मोबाइल नंबर पे पैसे डालने हैं, तो आप लोगों को यहां पे क्लिक करना होगा टू मोबाइल कॉन्टैक्ट का, तो सारे के सारे कॉन्टैक्ट आप लोगों के सामने इस टाइप से आ जाएंगे, जिसको भी आप लोग पैसे भेजना चाहते हैं उस नंबर को यहां पर आपको डालना होगा। बाय चांस गाइस अगर आप लोग किसी के बैंक अकाउंट में पैसे को भेजना चाहते हैं या ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा टू बैंक अकाउंट का, तो गाइज आप लोगों को यहाँ पे इस टाइप से क्लिक कर लेना होगा। और जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे इस टाइप से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फोर्थ में ऑप्शन देखने को मिलेगा टू सेल्फ अकाउंट का, यानी कि गाइज अगर आप लोगों ने अपने पेटीएम में 2 या 3-4 अकाउंट बना रखे हैं और आप लोग एक अकाउंट से दूसरे पैसे अकाउंट में अपने पैसे को भेजना चाहते हैं, यानी कि ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग इस ऑप्शन का आप लोग यूज कर सकते हैं। इस टाइप से गाइज आप लोग यहाँ पर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर गाइज आप लोगों की बात करें UPI अपनी ID के, तो मैंने आपको पहले भी बताया था आप लोगों की UPI ID आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में गाइज अगर आप लोग मोबाइल रिचार्ज वगैरह करना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल रिचार्ज भी यहाँ पर कर सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा मोबाइल रिचार्ज इसका। उसके बाद में आपको और भी काफी रिचार्ज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, DTH रिचार्ज, और भी काफी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि गाइज आप लोग कैसे अपने पेटीएम अकाउंट का यूज करके आप लोग घर बैठे पैसे कैसे कमा सकते हैं, गाइज अगर आप लोग पेटीएम से पैसे भी कमाना चाहते हैं, तो चलो मैं आपको वो
बता देता हूँ। गाइज मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कैशबैक का, साइड में भी देखते हो, उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन और भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेफर गेट का। तो आप लोगों को इजीली यहाँ पर रेफर गेट पे टैप करना होगा, और जैसे गाइज आप लोग यहाँ पर रेफर गेट पे टैप करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गाइज अगर आपका फ्रेंड यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपने अकाउंट को क्रिएट करता है और फर्स्ट ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करता है तो आपको ₹25 यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, अगर सेकंड करेगा तो आप लोगों को ₹50 यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन गाइज आप लोगों को कैसे इसको लिंक को भेजना है और कैसे कैसे क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इन्वाइट वीओ व्हाट्सअप का, तो बस आप लोगों को यहाँ पे टैप करना होगा। और जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे टैप करेंगे तो आपके यहाँ पर व्हाट्सअप के सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे जिसको भी आप लोग भेजना चाहते हैं, बस आप लोगों को इस टाइप से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोग इस टाइप से भेज सकते हैं। जैसे आप लोग इस टाइप से भेजेंगे तो आपका लिंक यहाँ पे जो आपका रेफर लिंक है वो इस टाइप से यहाँ पर शेयर हो जाएगा, और जो भी आप लोगों का फ्रेंड या दोस्त जो भी है आप लोगों को उसको बोलना है कि मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस लिंक से अपने फोन पे पेटीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करे, और जैसे ही वो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेगा तो आप लोगों को यहाँ पे इस टाइप से काफी पैसे आप लोग यहाँ पे 50 या 25 रुपए इस टाइप से कमा सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, ये जो कैशबैक है ना ये अप डाउन भी होता रहता है, कभी किसी को 100 मिलते हैं किसी को 200 मिलते हैं, ये गाइस कोई फिक्स नहीं रहता, ये थोड़ा चेंज होते रहते हैं। तो इस टाइप से गाइस आप लोग घर बैठे भी अपने पैसे को इस टाइप से कमा सकते हैं। होप आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट थे सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों को पता भी लग गया होगा कि कैसे हम लोग घर बैठे बैठे अपना पेटीएम का न्यू अकाउंट बना सकते हैं। तो चलो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।